रोजगार की तलाश में कर्नाटक महाराष्ट्र में फंसे 57 मजदूरों को पार्टी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकालकर घर तक पहुंचाया। पार्टी थाना क्षेत्र के ग्राम उबादगुप गांव के मजदूर कर्नाटक राज्य के बागलकोट व महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिलों में गन्ना कटाई के काम से गए थे। वहां पर बराबर मजदूरी नहीं दी जा रही है, साथ ही काफी परेशानियों से जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस की मदद से घर वापस आना चाहते हैं। मजदूरों को शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, जो कि ग्राम उबादगढ़ के मजदूर है, जिन्हें कर्नाटक महाराष्ट्र राज्य ले जाया गया था और उन्हें कर्ज के नाम पर फंसे मजदूरों से 16 से 20 घंटे बिना हिसाब दिए तथा बिना मजदूरी के लगातार कार्य कराया जा रहा था। कर्नाटक बागलकोट जिला में 10 पुरुष महिला एवं उनके साथ 14 बच्चों सहित कुल 24 मजदूर एवं महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में 20 पुरुष महिला एवं उनके साथ 13 बच्चे मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। मजदूरों की सूचना परिजनों के द्वारा पाटी थाने पर देने के बाद थाना प्रभारी आर के लोवंशी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घटना से अवगत कराया, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए बागलकोट कर्नाटक में फंसे मजदूरों की सकुशल घर वापसी के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा अति पुलिस अधीक्षक आर डी प्रजापति SDOP रूपरेखा यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एवं जिला श्रम अधिकारी कुशल सिंह मुजालदे, श्रम निरीक्षक लखन सिंह भंवर को संयुक्त कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक एवं कर्नाटक राज्य के बागलकोट पुलिस अधीक्षक से फंसे हुए मजदूरों की घर वापसी को लेकर चर्चा की गई एवं बड़वानी जिले के मजदूरों को सुरक्षित वापस भेजने के प्रयास किए गए। बागलकोट पुलिस अधीक्षक द्वारा फंसे हुए मजदूरों को अपनी हिरासत में सुरक्षित लेकर उनके खाने की व्यवस्था करते हुए उन्हें महाराष्ट्र के कोल्हापुर ग्राम कापसी तहसील कागल भेजा गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी त्वरित कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए गए, जिस पर कोल्हापुर के उप पुलिस अधीक्षक राजीव नवाले PSI कुमार धारे द्वारा कॉर्डिनेट करते हुए महाराष्ट्र राज्य की कागल तहसील में गन्ना कटाई काम में फंसे हुए 20 मजदूर व 13 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इस तरह दोनों राज्यों में फंसे मजदूर महिला पुरुष 30 एवं छोटे बच्चे 27 ऐसे 57 मजदूरों को एक स्थान पर एकत्रित किया गया। इस दौरान जनसाहस संस्था की मदद से एवं अन्य सामाजिक संगठन की मदद से मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था करते हुए मजदूरों को आईसर से सड़क मार्ग से सभी फंसे मजदूरों को 800 किलोमीटर दूर से चौकी बोकराटा थाना पाटी पर लाया जाकर उनको उनके घर तक सकुशल पहुंचाया गया। CID न्यूज नेटवर्क के लिए पाटी से गोविंद यादव, राहुल झिंगर की खास बाबू बच्चा चार चार पाँच पाँच उनका खवाड़ा हम आधे आधे रोटी खाने 3 महीना लग काम करने आया। तुम्हारा पैसा का हिसाब करा कि नहीं करा? कर दिया। नहीं करा? कर दिया। दो पार्टी को कर दिया, एक पार्टी का नहीं करे। कौन मदद करा यहाँ तक पहुँचे वापस? महेंद्र भाई। और पुलिस प्रशासन ने क्या मदद? पुलिस गया, पुलिस की मदद से आएगी यहाँ? हाँ, पुलिस ने भी मदद करी। हाँ सर, अन्य राज्य में कहीं फसल मजदूर? हाँ, हमारे थाना क्षेत्र पाटी के उबादगढ़ के मजदूर कर्नाटक में बागलकोट में मजदूरी करने गए थे गन्ना काटने के लिए। वो वहाँ यहाँ प्रत्येक मजदूरों ने यहाँ पर हेड पे 40,000 रुपये लिए थे जोड़े एक पर, और इनका 3 महीने का गन्ना काटने का उनकी टाइम लिमिट थी, लेकिन इन लोगों का समय पूरा होने पर वहाँ की कंपनी में इनको वापस नहीं भेज रहे थे। इस कारण इन गन्ना कटो मजदूरों के संबंध में थाने पर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये मजदूर वापस नहीं आ रहे हैं। तो शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे दीपक कुमार शुक्ला साहब को हमने अवगत करवाया, जिनके द्वारा कलेक्टर साहब महोदय और अपने लेबर अधिकारी द्वारा संबंधित राज्य में संपर्क किया गया। वहाँ के कलेक्टर साहब और SP साहब से संपर्क कर पुलिस की टीम जगह जगह भेजी गई और जो मजदूर अलग अलग थे उनको एकत्र किया गया और बागलकोट से सभी मजदूर को कोल्हापुर लाया। कोल्हापुर से पुलिस टीम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय संपर्क किया गया और उनके द्वारा पुलिस टीम भेज करके मजदूरों को सुरक्षित पाटी क्षेत्र में पहुँचाया गया। सर, कहाँ कहाँ से मजदूर थे और कितने थे? ये उबादगढ़ के मजदूर है, इसमें कुल महिला पुरुष 15 जोड़ी थी, जिसमें 30 मजदूर थे महिला पुरुष और उनके बच्चे थे, कुल 57 मजदूर थे।